हर बंदा ये कह रहा है कि अब बदल दो तारीख, बड़ा जरूरी हो गया है ये जीत, हमारे लिए बड़ा जरूरी है, पूरी कौम के लिए बड़ी जरूरी है। तो सुना आपने, शिद्दत से जोश व जज्बा पाया जाता है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की अब ये ख्वाहिश कहले बन चुकी है आम आवाम की कि इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच जीते, क्योंकि बहुत देर हो चुकी, तकरीबन 6 से 7 दफा आमने सामना हो चुका वर्ल्ड इवेंट्स में और पाकिस्तान को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। 2007 में हम लोग करीब तरीन थे, 2 बॉलों में 1 रन चाहिए था तो रन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं ये चाहते हैं कि हम इंडिया से वर्ल्ड कप में कोई मैच जीतें, इनका ये एक सपना है दोस्तों, और ये मुझे नहीं पता कि कभी पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता दूं कि कल होने वाले मैच में ये सपना इनका बिल्कुल नहीं पूरे होने वाला है, और आगे का तो मुझे लगता नहीं है, 8-10 साल 15 साल कोई चांस है इनका, क्योंकि ये लोग तो मेरिट पर नहीं आते ना, आप समझ गए होंगे, जिस तरह के पाकिस्तान की कंडीशन है वहाँ पर जो सिफारशी लोग होते हैं वो आ जाते हैं, और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वैसे पाकिस्तानी हैं तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी हुई हैं और उनका मिट्टी में मिलना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। बाकी कल हम आप सभी जो है इंडिया पाकिस्तान मैच का लुत्फ उठाएंगे, ठीक है, और इनको फिर से एक बार पता चलेगा कि इंडिया क्या चीज़ है। चलिए दोस्तों, तो हर बंदा ये कह रहा है कि अब बदल दो तारीख, बड़ा ज़रूरी हो गया है ये जीत, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, पूरी कौम के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो सुना आपने, शिद्दत से जोश व जज्बा पाया जाता है और ऑब्वियसली पाकिस्तान की अब ये ख्वाहिश कहले बन चुकी है आम आवाम की कि इंडिया से वर्ल्ड कप का मैच जीते, क्योंकि बहुत देर हो चुकी, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा आमने सामना हो चुका वर्ल्ड इवेंट्स में और पाकिस्तान को अभी तक कामयाबी नहीं मिली। 2007 में हम लोग करीब तरीन थे, 2 बॉलों में 1 रन चाहिए था तो रन आउट हो गए थे मिसबा, और उसके बाद बॉल आउट में इंडिया जीत गया था। सो आई थिंक दैट वॉज द क्लोजेस्ट वी एवर गॉट टू इट और अब सब चाहते हैं जीते। और रीजन क्या है सलमान, क्यों आज तक ऑब्वियसली अब नहीं जीत सके वर्ल्ड कप में? एक ही बात हम काफी दफा करते हैं कि बिकॉज इट बिकम्स द गेम ऑफ नर्व्स, कुछ आप कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से जीता कम जीता है, पाकिस्तान आज तक जितने मैचेस हुए ओवरऑल पाकिस्तान की विंस ज्यादा है इंडिया से, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली दैट पर्टिकुलर पार्ट, चाहे हम वर्ल्ड कप जीत भी गए 92 का, लेकिन उसमें जो इंडिया वाला मैच था वो हम नहीं जीत सके। सो देयर इज समथिंग आई थिंक मोर देन जस्ट अ प्रेशर, बिकॉज मैंने भी इंडिया के खिलाफ बहुत सारे मैचेस खेले हैं, आई थिंक 21 इंटरनेशनल मैचेस और टेस्ट मैचेस उसके अलावा खेले हैं, T20 वर्ल्ड कप के 2 मैच, एक मैच में खेला सॉरी T20 वर्ल्ड कप का, तो वो ये बॉल आउट वाला मैच था जिसका मैंने आपको बताया कि लास्ट बॉल पे ड्रॉ हो गया था और उसके बाद बॉल आउट में इंडिया जीता। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई जहनों पर तारी है कि इंडिया से जीत नहीं सकते, हम मोस्टली इन पोजीशंस गए जहां पर हम आराम से जीत सकते थे, देन वी लॉस्ट इट। सो समवेयर अलोंग द लाइंस हम अपना टारगेट मिस करते हैं या फोकस लैक कर जाते हैं या प्री डिटरमिन कर लेते हैं कि बस हो गया काम, और फिर वहां पर जाके उसके बिफोर वी कंप्लीट इट आई थिंक वी लूज आवर फोकस, नर्व्स की गेम बन जाती है कि आगे जाकर हमने किस तरह से खेलना है, रोजाना ही हम इस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वहाब रियाज की, हमने बात की उससे रिलेटेड एक और बात थी कि मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने भी एक रिपोर्टर से बात करते हुए ये बात की है कि कहा गया ना कि बुमराह और शाहीन दोनों का कंपैरिजन जरा कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि बुमराह बड़ा सीनियर है, शाहीन जो है बिल्कुल न्यू आए हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया की टीम है वो ज्यादा मजबूत है कागजों में, बट T20 है तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं? टोटली एग्री टू व्हाट ही सेड, जाहिर है मैच्योरिटी का फर्क है, ये बात हम पहले कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में, जब बुमराह का आपने कहा था कि हमारी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग का फर्क, तो हमने एक्सपीरियंस का फर्क है, बहुत सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, टॉप परफॉर्मर है, दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, स्पेशली डेथ बॉलर्स, एक्यूरेसी, चेंज ऑफ पेस, एक्शन भी उसका थोड़ा ऑकवर्ड है। शाहीन अभी नया है, ऑल दो वेरी टैलेंटेड, इंशाल्लाह वर्ल्ड क्लास रहेगा भी और है भी ऑलरेडी अमंग द न्यू वंस, आई थिंक इज द बेस्ट न्यू फाइंड, बहरहाल स्टिल यू कैन नॉट कंपेयर समबडी हुज बीन देयर फॉर लाइक हाफ ए डेकेड से ज्यादा परफॉर्मर्स में है वो, और ये अभी आया है 2 साल हुए हैं, तो कंपैरिजन उस तरह आप ड्रॉ नहीं कर सकते, लेट्स नॉट पुट प्रेशर ऑन आवर ओन बॉलर्स। सही है, ठीक हो गया। अच्छा राइट नाउ जो मैच हो रहा है आयरलैंड और नामीबिया का, वो हमने पहले भी बात की कि लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, शारजा में ये मैच हो रहा है और यहीं पर पाकिस्तान का सेकंड मैच जो होना है न्यूजीलैंड के साथ वो भी यहाँ पर होना है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है? आई थिंक कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो यकीनन पाकिस्तान को ये फायदा है, क्योंकि जैसे जैसे मैच चलता जाता है पिच स्लोअर साइड पर जाना शुरू कर देता है, और जो पाकिस्तान के नए कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन, उन्होंने भी बताया कि शारजा में 150 जो है वो एक डिसेंट स्कोर है, और IPL में भी हमने देखा बहुत सारी टीम्स 135-140 में ही रह जाती थी और उसमें भी मैचेस जीते हैं। सो आई थिंक जब आप 135 करके मैच जीते हैं तो इसका मतलब है कि डिफेंड करना ईजी है, चेज इसमें और थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे कम प्लेयर्स हैं
जो वहाँ पर एक्सपोज्ड हैं, केन विलियमसन खेल रहे थे, उनमें से कुछ बॉलर्स उनके खेल रहे थे सऊदी और बोल्ट, लेकिन बैट्समैन उनके जो है मेजर वो यहाँ पर नहीं खेले थे। सो आई थिंक पाकिस्तान, वैसे तो दोनों तरफ से पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा है, लेकिन बैट फर्स्ट विल गिव देम द एक्स्ट्रा एज। पहले बैटिंग करनी चाहिए। वक्त बड़ा कम रह गया, तो आखिरी में आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी कि वर्ल्ड कप खत्म होने के फौरन बाद वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम जो है, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, और इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने आना था, उन्होंने अपनी वुमेन टीम को भी फिर नहीं भेजा जब उन्होंने कैंसिल किया, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंटरनेशनल क्रिकेट एक मरतबा फिर से जब पाकिस्तान की तरफ वापस आएगी? देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इधर आने का फैसला किया, और जो आपने इंग्लैंड की टीम का जिक्र किया, वो कोई सेंस ना बनती कि अगर उनके मेंस ना आते और वो कहते कि सिक्योरिटी का मसला है, तो जहाँ बंदे नहीं जा रहे वो वहाँ खवातीन को तो ना भेजते। सो आई थिंक, हालांकि उन्होंने जो प्रेजेंट किया अपना बहाना, वो था कि वो बबल्स में रह के दे आर स्पूक, तो वुमेन्स का तो कोई बबल नहीं था, उनकी बाय देयर लॉजिक तो फिर इनको आना चाहिए था, लेकिन दाल में कुछ काला था जो सामने प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इट डिडंट मेक सेंस, और इसकी वजह से फिर रेजिग्नेशन भी हुए और भी बड़ा कुछ हुआ, एंड पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट के बारे में उनके लोगों ने खुद कहा कि दे शुड बी केप्ट अपार्ट। बस, साथ ही वक्त भी खत्म हो गया हमारे शो का, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे।